चढ़कर बोलता है। क्रिकेट से जुड़ी फैक्ट्स और कुछ अनजान तथ्यों के बारे में जानना काफी रोचक लगता है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के इतिहास की ऐसे कुछ अनहोनी घटनाओं के बारे में जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरह से भी आउट होते हैं बल्लेबाज। नंबर एक, पाकिस्तानी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी को इस तरह से आउट होना जिंदगी भर याद रहेगा। बांग्लादेशी बॉलर शाकिब अल हसन ने 3 बार बॉल को हवा में उछाला तब जाकर कैच लिया। नंबर दो, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज एंड्रयू साइमंड्स इस मैच में काफी बदकिस्मत रहे। इन्होंने एक शॉट खेला और गेंद नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के पैर से टकरा कर फील्डर के हाथ में चली गई और वे आउट हो गए। नंबर तीन, पाकिस्तानी बल्लेबाज को इस मैच में सिर्फ इसलिए आउट दे दिया गया क्योंकि वह विकेट के सामने दौड़ रहे थे जिससे फील्डर विकेटों पर निशाना नहीं लगा सका। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाज को इसलिए आउट दिया गया क्योंकि जब कीपर ने स्टंपिंग की तो बल्लेबाज का रनर क्रीज से बाहर था। नंबर पाँच, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली ने कीवी बल्लेबाज को इतना भयंकर बाउंसर मारा कि गेंद बल्लेबाज के हेलमेट से टकराई और हेलमेट खुलकर विकेट पर जा गिरा और वे आउट हो गए। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाज ने शॉट मारते ही बल्ला छोड़ दिया और वह सीधा विकेट पर जा गिरा और उन्हें आउट करार दे दिया गया। नंबर सात, अब भला शॉट खेलने के बाद गेंद को विकेट से दूर भगाने के लिए हाथ लगाओगे तो आउट तो होना ही पड़ेगा। नंबर आठ, पाकिस्तानी बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने थ्रो को रोकने के लिए बीच में बल्ला अड़ा दिया, फिर क्या, अंपायर ने आउट दे दिया। नंबर नौ, भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी एक बार शॉट खेलते हुए क्रीज में इतना अंदर चले गए कि उनका पैर स्टंप को छू गया और वह आउट करा दे दिए गए। नंबर 10, इन बल्लेबाज का बल्ला शायद हवा